नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जिला कारागार पर आज धर्मवीर प्रजापति मंत्री के कर कमालों के द्वारा कारागार चौकी का उद्घाटन हुआ एवं मंत्री ने वृक्ष लगाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिला जेल में अंदर जाकर जेल के विचाराधीन बंदियों से मुलाकात की और जेल के अंदर शिक्षा भी ग्रहण है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने लेडीज महिलाएं जो जेल में हैं उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कार्य किया और सभी जिला अधिकारी एवं जेल डीआईजी सुप्रिंटेंडेंट जेल अधीक्षक मौजूद रहे। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। राइट आइए रोहित भाई, तुम भी स्पेशल इवेंट क्रिएट कराते हो। कि उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में माओं के साथ जो बच्चे बंद हैं छोटे छोटे, हम उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी जेलों में एक टीचर की व्यवस्था और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुई है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्रैश की व्यवस्था हम लोगों ने कर रहे हैं। जो बंदी जिन हमारी कई जेलें ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश में 12 जेलें हैं जहाँ बंदी हमारे बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन वो मार्केट में कैसे जाए, आम जनता कैसे जाने, ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हमने निर्देश दिया है कि सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में जहाँ जगह है वहाँ आउटलेट बने, बाहर पब्लिक जाने के बंदी ये बनाते हैं, तो ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो बच्चों पर विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। बच्चों के कई जेलों में हमारे चिल्ड्रन पार्क बने हैं, यहाँ भी हमने कहा है कि जगह हमने देख लिया, जगह भी सुनिश्चित कर दी है, यहाँ भी एक चिल्ड्रन पार्क बच्चों के लिए। इसके पीछे एक मेरा एक कारण ये है कि पूरा दिन छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ के साथ बैरकों में रहते हैं, वहाँ चर्चा केवल घटनाओं की होती होगी और बच्चे माँ के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की मनोदशा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे माँ से पूरे दिन दूर रहें, पढ़ें लिखें, पार्क में खेलें, उनकी मनोदशा पर माओं की चर्चा जो बैरक में अंदर होती होगी वो प्रभाव न पड़े, ये प्रयास हमारा है। हमारे 30 साल के अंदर के जितने युवा बंदी थे, मैंने फ़ोन करके कहा कि मैं उनके साथ चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा, क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य भी हैं और उनके साथ कम से कम मेरा 1 घंटे का संवाद रहा है। संवाद में प्रयास हमने किया है कि जो भी उनके मन में विकृति मानसिकता हो, जो भी विकृतियां हो, वो दूर हों और एक अच्छा इंसान बने अंदर भी और बाहर भी। उनका व्यवहार ऐसा हो कि एक बाहर ये संदेश जाए कि हम अच्छे हैं और फिर उसके बाद में जब बाहर जाए वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद में या कोर्ट के द्वारा उन्हें छूट मिल जाए, जब बाहर जाए तो एक अच्छे इंसान बन करके एक मैसेज जाए। प्रयास हमारा है कि ODOP से और MECME के माध्यम से हम बंदियों के पूरे उत्तर प्रदेश में एक ट्रेनिंग करा रहे हैं और इसीलिए करा रहे हैं कि बंदी कुछ सीखने के बाद में जब वो छूट करके जाएं तो कुछ अपना बेरोजगार न रहें, कुछ अपना रोजगार करें, ये प्रयास हमारा है। और इसकी जी सर, जिस तरह आज आप चौकी का उद्घाटन किया सर, आपने भी देखा कि वो चौकी आज की उसकी दीवार चटक भी रही है, पानी भी उसमें से बहने लगा, वाश बेसन की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी, तो सर बनने से पहले ये हाल है, तो सर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं लिपता है। ये 2 साल पहले हैंडओवर हुई है और उसकी मुझे पूरी पत्तावली मैं मंगाऊंगा और देखूंगा कि क्या है कैसे है। मंजी, 3 घंटे हो गए आपको जेल में, क्या देखा आपने? मैं जिस भी जेल में जाता हूँ 3 घंटे 4 घंटे मेरा रहता ही है, कम से कम कोई भी कार्यक्रम होता है तो 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बंदियों के साथ, महिला बंदी हों, युवा बंदी हों, जो भी हैं बंदियों के साथ मेरा संवाद रहता है। समस्या है यार, 800 की क्षमता है, 1600-1700 के आसपास लोग हैं। देखिए, यहाँ जेल तो है, बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ जेल भी नहीं है,
इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक आपके माध्यम से आपको भी जानकारी होगी कि एक 60 साल की बंदिश जो थी पहले मैनुअल में वो ख़त्म हुई है। एक बहुत बड़ा बंदी हमारे छूटने वाले हैं। 2800 बंदी हमने छोटी छोटी बातों में जो बंद थे छोटे छोटे केसों में वो हमने छोड़े हैं और दया याचिका की लगभग 600 बंदी छूट चुके हैं। अभी 600 हमारी फाइलें चल रही हैं, आगे प्रोसीजर में हैं। 135 बंदी हमने ऐसे छोड़े थे। सबसे पहला काम मेरा 135 बंदियों को वो था जो अर्थदंड में बंद। मीडिया अंदर बाहर खड़ी है, कहीं ऐसा ना हो। देखिए सर, ये बहुत गलत व्यवहार है। इन लोगों ने हमको बाहर खड़ा रखा, हमने बार बार खबर पहुंचवाई, हम विदाउट मोबाइल विदाउट कैमरा जाने तैयार हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और सर 3.25 घंटे से मीडिया यहाँ खड़ी है। सर आपकी सरकार, आप लोग कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया की, हम सम्मान करते काय का सर सम्मान। अभी जहाँ जमीन पर बैठे थे, बैठने की व्यवस्था नहीं, पीने को पानी नहीं। मुझे अनुमान नहीं था कि आप लोग हैं। नहीं सर, देखिए ये हमें तो ये था कि मीडिया जा चुकी है और ऐसे लोग अंदर से निकले हैं, ना तो पार्टी से जिनका सरोकार था ना मीडिया से। सर